हेलो एवरीवन, स्वागत है गाइस आप सभी का अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। मेरा नाम है सचिन अरोड़ा और आप यहां पर जुड़ चुके हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन के लिए जिसका नाम है एमएस डॉस। बिल्कुल जैसे कि आपने स्क्रीन पर देखा होगा, जैसे कि आप देख भी पा रहे हैं, यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में और क्वेश्चंस के बारे में। जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है एमएस डॉस का एक बहुत ही खूबसूरत सा रंग बिरंगी लोगो और साथ ही एमएस डॉस की एक स्क्रीन यानी एक ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन के साथ एक कलरफुल लोगो का कॉम्बिनेशन कितना प्यारा लग रहा है और इसका कॉन्सेप्ट भी इतना ही प्यारा है। तो यहाँ पर प्रीवियस सेशंस में जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में। हम लोग एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पर बात कर चुके हैं, लाइनक्स और यूनिक्स पर बात कर चुके हैं और साथ ही साथ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी हम लोग बात कर चुके हैं। तो आज का सेशन एमएस डॉस यानी माइक्रोसॉफ्ट का ही विंडोज नहीं बल्कि विंडोज से पहले लॉन्च हुआ डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम पर हम लोग नजर डालेंगे और इसके बारे में समझेंगे। तो आई होप आप सब तैयार हैं। यस, तो बिल्कुल शुरू करते हैं यहां पर, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज सेशन। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आपकी हैवी डिमांड पर अरोड़ा एजुकेटर चैनल अब टेलीग्राम पर भी आ चुका है, तो आप यहां से भी कनेक्ट हो सकते हैं। नाम आपको दिया हुआ है अरोड़ा एजुकेटर चैनल के नाम से और ये सर्च करके आप लोग टेलीग्राम में कनेक्ट हो सकते हैं, जिससे कि आपके पास सभी वीडियोस के अलर्ट वहां पर आते रहते हैं और एज वेल एज जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो भी आप तक कम्युनिकेट होते रहते हैं। साथ ही साथ हमने आपके लिए कमेंट सेक्शन में इंपॉर्टेंट वीडियोस की लिस्ट दे दी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी और कमेंट सेक्शन में पिन भी आपको मिल जाएगी। वो इंपॉर्टेंट वीडियोस जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं, राइट? तो चलिए एमएस डॉस शुरू हो चुका है बिना किसी देरी के, तो फटाफट यहां पर क्वेश्चन को एक बार पढ़िए और इनके आंसर्स को समझने की कोशिश करिए। एमएस डॉस की सबसे पहले हम हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि हम बेसिक से एडवांस तक चलते हैं और हर एक चीज चैप्टर की हम लोग यहां पर डिस्कस करते हैं। क्लियर है? तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके मन में होगा कि एमएस डॉस किसने बनाया, है ना? बहुत दिलचस्प क्वेश्चन है, हर कोई इसका आंसर देगा एमएस डॉस। सर बहुत सिंपल है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है। इसका मतलब मिस्टर बिल गेट्स जो फाउंडर हैं माइक्रोसॉफ्ट के, उन्हीं की भूमिका होगी एमएस डॉस के लिए। अगर आप भी औरों की तरह यही सोच रहे हैं तो आपकी सोच बिल्कुल गलत है क्योंकि यहां पर कहानी में ट्विस्ट है। एमएस डॉस एक्चुअली में माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा नहीं बनाया गया, माइक्रोसॉफ्ट ने एमएस डॉस को खरीद लिया है यानी परचेज किया गया है और इसका नाम बदल दिया गया है। तो देखते हैं सबसे पहले आखिरकार इनके फाउंडर हैं कौन। तो आंसर है यहां पर मिस्टर टिम पैटरसन। मिस्टर टिम पैटरसन इज नोन एज द फाउंडर ऑफ एमएस डॉस। यानी अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा एमएस डॉस के फाउंडर, तो आंसर बिल गेट्स या माइक्रोसॉफ्ट ना होकर ऑप्शन में अगर टिम पैटरसन दिया होगा तो आंसर टिम पैटरसन होगा। लेकिन अगर इन केस वहां पर टिम पैटरसन नहीं दिया हुआ है तो कंपनी के नाम से गिवन होगा, तो कंपनी जरूर माइक्रोसॉफ्ट होगी, है ना? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि इसको खरीद लिया गया है किसी कंपनी से। किससे खरीदा गया ये हम अभी आपको बताएंगे, लेकिन जिस पर्सन की इन्वॉल्वमेंट रही खरीदने में वो पर्सन है टिम पैटरसन और इन्होंने ही इसको बनाया था। वेरी गुड। आगे अगर हम बात करें तो टिम पैटरसन जी की फुल फॉर्म है, जैसे टिम कुक है ना, तो इसका मतलब है टिमोथी कुक। वैसे ही टिम पैटरसन का टिम का मतलब है टिमोथी, टिमोथी पैटरसन, राइट? इसके बाद नेक्स्ट है टिम पैटरसन डिजाइंड ओएस नेम्ड। यानी जिस समय टिम पैटरसन जी ने ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया उस समय इसका नाम कुछ और था और उस समय स्टार्टिंग में इसका नाम क्या था, तो आंसर है क्यूडॉस, क्यूडॉस। तो यानी टिम पैटरसन जी के द्वारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया वो है क्यूडॉस, जिसकी फुल फॉर्म है क्विक एंड डर्टी ऑपरेटिंग सिस्टम, क्विक एंड डर्टी ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसका नाम क्विक एंड डर्टी क्यों पड़ा, क्योंकि देखिए ये काम करने में तो बहुत क्विक था, क्योंकि आप जानते हैं एमएस डॉस जैसे काम करता है वैसे ही आपका क्यूडॉस था। क्विक
इंस्ट्रक्शंस क्विक कमांड बेस्ड यहाँ पर काम होता था, लेकिन डर्टी था क्योंकि आप जानते हैं कि ब्लैक एंड व्हाइट पर काम करना इतना सूदिंग नहीं होता, है ना, तो इसलिए इसको डर्टी कहा गया, क्विक एंड डर्टी ऑपरेटिंग सिस्टम जो 1980 में डिजाइन किया गया था टिम पैटरसन के द्वारा। तो यानी एमएस डॉस कहीं ना कहीं कब आया, इसकी शुरुआत हुई 1980 में क्यू डॉस के नाम से, और फिर आगे चलकर क्यू डॉस के नाम को बदल दिया गया। क्या किया गया क्यू डॉस का नाम, क्यू डॉस के नाम को बदलकर 86 डॉस रख दिया गया, किस कंपनी के द्वारा, सीटल कंप्यूटर प्रोडक्ट के द्वारा, क्योंकि मिस्टर टिम पैटरसन जो हैं वो इसी कंपनी के लिए काम कर रहे थे। और आगे चलकर क्योंकि इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल, क्यूडॉस का इस्तेमाल आगे चलकर इंटेल कंपनी ने भी किया, आप जानते हैं इंटेल कंपनी जो प्रोसेसर बनाती है उसने भी इस ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया, और तब सीटल ने इसका नाम बदलकर 86 डॉस रख दिया, जो कहीं ना कहीं इंटेल कंपनी को डिनोट कर रहा था, यानी एक तरीके से उनको सम्मान देने के लिए ऐसा किया गया। फिर आगे चलकर इस 86 डॉस को, जिसको पहले क्यू डॉस के नाम से जाना जाता था, फिर इसको 86 डॉस किया गया, और अब 86 डॉस भी बिकने को तैयार था माइक्रोसॉफ्ट के हाथ। बिल्कुल बिल गेट्स ने एक डील करी, किसके साथ में, सीटल कंप्यूटर प्रोडक्ट के साथ में, और साथ ही साथ टिम पैटरसन जी से परमिशन ली गई, क्या इसको हम माइक्रोसॉफ्ट को बेच सकते हैं। दोनों में एग्रीमेंट हुआ, कुछ डॉलर की यहाँ पर हेरा फेरी हुई, यानी कुछ डॉलर ट्रांसफर किए गए माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, और इसको खरीद लिया गया, और फाइनली इसको नाम दे दिया गया एमएस डॉस। अब ये एमएस डॉस का पहला वर्जन लॉन्च हो चुका था, यानी इसमें थोड़ी सी एडिटिंग की गई माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, और 1.0 1981 में इसको फर्स्ट वर्जन के तरीके से माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया। तो अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एमएस डॉस का पहला वर्जन कौन सा है, तो आंसर क्या होगा, एमएस डॉस 1.0। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एमएस डॉस किस ईयर में लॉन्च हुआ, तो आंसर होगा 1981 में, क्योंकि एमएस डॉस की अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग में इसका नाम क्या था, बिल्कुल क्यू डॉस था, फिर इसका नाम बदल के 86 डॉस हुआ, और 86 डॉस फाइनली किसमें कन्वर्ट हुआ, एमएस डॉस में 1.0 में। तो ओरिजिनल जो इसके फाउंडर हैं वो कौन है, टिम पैटरसन है। क्या इतनी कहानी आपको समझ में आ गई, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम एक एक करके वर्जन पर समझते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि एमएस डॉस का पहला वर्जन माइक्रोसॉफ्ट ने 1981 में निकाला इसको खरीद लेने के बाद, लेकिन इसके वर्जन की शुरुआत कहीं ना कहीं 1980 से हो चुकी थी, क्योंकि आप जानते हैं 1980 में टिम पैटरसन जी के द्वारा क्यू डॉस बनाया गया, तो ये एमएस डॉस का वर्जन नहीं कहलाएगा, राइट। एमएस डॉस का वर्जन कहां से स्टार्ट होगा, 1981 से, 1.0 से, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने इसको मार्केट में लॉन्च करने के बाद सेम 1.0 ही इसका वर्जन का नाम रखा था। अब इसके बाद अगर हम बात करें 1981 के बाद, 1983 यानी एक साल के गैप के बाद डॉस 2.0 आया, 1984 में डॉस 3.0 आया, 1988 यानी करीबन 4 साल के गैप के बाद डॉस 4.0 आया, फिर डॉस 5.0 इन 1990, 1991 में डॉस 6.0 आया। अब यहां पर आपको समझने की रिक्वायरमेंट है, यानी सबसे पहले डॉस 1.0, 2, 3, 4, 5, 6, यानी ये 6 वर्जन डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन रहे। बात समझ में आ गई, यानी पहला वर्जन तो है 1.0 और लेटेस्ट वर्जन है 6.0, इसका सब वर्जन भी आ गया है ना, 6.1, 6.2 भी है मार्केट में, लेकिन आप समझ लीजिए कि 6 की रेंज में ही चल रहा है। तो डॉस 6.0 के बाद 7.0 है ना, ये डॉस का नहीं रहा, समझिएगा। तो यानी डॉस 1.0 फर्स्ट बना और लेटेस्ट क्या बना, डॉस 6.0। लेकिन हमने तो यहां पर 1995 भी लिखा है, और 1995 में लॉन्च हुआ डॉस 7.0, जो वर्जन जरूर है डॉस का, लेकिन ये एमएस डॉस को सपोर्ट नहीं करता है, ये सपोर्ट करता है विंडोज 95 को। इसका मतलब कि डॉस 7.0 जो है
वो डॉस का अपडेटेड वर्जन तो है, लेकिन ये एमएस डॉस का वर्जन एमएस डॉस प्लेटफॉर्म के लिए ना होकर विंडोज प्लेटफॉर्म के लिए है। और विंडोज के किस प्लेटफॉर्म के लिए है? तो आंसर है विंडोज 95 के लिए। वेरी गुड। अब इसको जरा ध्यान से समझिएगा, ये जो डॉस 1.0 है ये आईबीएम के लिए रिलीज किया गया माइक्रोसॉफ्ट ने, यानी माइक्रोसॉफ्ट ने आईबीएम से हाथ मिलाया और ये वर्जन आईबीएम की कंप्यूटर के लिए लॉन्च किया गया। 2.0 ये जो वर्जन रहा ये हार्ड डिस्क और ड्राइवर्स को सपोर्ट करने के लिए लॉन्च किया गया, यानी आप जानते हैं कि पहले के समय में फ्लॉपी डिस्क चला करती थी और जब डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम था उस समय फ्लॉपी डिस्क पर ही काम होता था। तो 2.0 किसको सपोर्ट करने के लिए बनाया गया? हार्ड डिस्क के बाद, फ्लॉपी डिस्क के बाद जब हार्ड डिस्क आ गई तो उसको सपोर्ट करने के लिए डॉस 2.0 आया और साथ ही साथ ये ड्राइवर्स को भी सपोर्ट करने लगा। फिर इसके बाद आया डॉस 3.0 जिसने बड़ी बड़ी हार्ड डिस्क को सपोर्ट किया, यानी लार्ज हार्ड डिस्क को सपोर्ट करने के लिए डॉस 3.0 आप कह सकते हैं इसको लॉन्च किया गया। फिर डॉस 4.0 का मकसद था डिस्क शेल इंट्रोड्यूस करना। आप लोग जानते हैं कि शेल प्रोग्रामिंग यानी ऑपरेटिंग सिस्टम में जो शेल होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक तरीके से दिल होता है ना? तो शेल क्या है? शेल या कर्नल आप कह सकते हैं, ये दोनों ऐसा हार्ड काम करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो 4.0 की जब हम बात करते हैं तो यहां पर शेल इंट्रोड्यूस किया गया। 5.0 में मेमोरी मैनेजमेंट का काम किया गया। आप जानते हैं कर्नल और शेल दोनों मिलकर मेमोरी मैनेज करते हैं, तो 5.0 में मेमोरी मैनेजमेंट का काम हुआ। और 6.0 जिसके बारे में अभी मैंने बताया, जो डॉस का लेटेस्ट वर्जन बना, ये डिस्क कॉम्प्रेशन के लिए यूज होने लगा, यानी डिस्क की साइज को कम करने के लिए, फाइल्स की साइज को कंप्रेस करने के लिए डॉस के 6.0 वर्जन का इस्तेमाल किया जाने लगा और यही डॉस का लेटेस्ट वर्जन भी बना। लेकिन फिर डॉस का 7.0 वर्जन आ चुका था जो मैंने अभी आपको बताया कि ये विंडोज 95 के लिए बना। इसका काम था मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन शब्द का क्या मतलब है? इस शब्द का मतलब होता है कि मेमोरी का पूरे तरीके से उपयोग कर पाना, दैट इज कॉल्ड एज मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अ मेमोरी इज कॉल्ड एज मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन। क्लियर है? वेरी गुड, है ना? तो ये चीजें आप लोग याद रखिएगा, इसके बारे में काफी इंटरेस्टिंग है। फिर इसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि विंडोज 95 रिलीज हो चुकी थी, कब? 1995 में। 1995 में क्योंकि विंडोज 95 रिलीज हो चुकी थी इसीलिए डॉस 7.0 को रिजर्व कर दिया गया। किसके लिए? विंडोज 95 के लिए। और आप लोग जानते हैं कि विंडोज का भी अपना कमांड लाइन इंटरफेस है ना? कमांड प्रॉम्प्ट जिसको हम कहते हैं, जो ब्लैक स्क्रीन होती है, यानी रन कमांड पर जाकर अगर आप सीएमडी टाइप करते हैं तो उसको कमांड प्रॉम्प्ट कहा जाता है, जो ठीक वैसे ही काम करता है जैसे एमएस डॉस काम करता है। इसका मतलब अगर हम देखें तो एमएस डॉस आपका सीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, या आप कह सकते हैं सीएलआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कमांड पर काम करता है। लेकिन विंडोज आपका जीयूआई के साथ साथ सीयूआई या सीएलआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों है, क्योंकि आप जानते हैं विंडोज पर काम करना बेहद आसान है, कट कॉपी पेस्ट बहुत आसानी से किया जा सकता है। इसका मतलब कि जो आपका विंडोज है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। लेकिन विंडोज में हम कमांड प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल भी करते हैं, सीएमडी का भी इस्तेमाल करते हैं, तो इसका मतलब ये कमांड लाइन इंटरफेस भी है। बात समझ में आ गई? वेरी गुड। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि डॉस 7.0 का यूज मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन के लिए किया जा रहा था विंडोज 95 के लिए, और विंडोज 95 कब रिलीज हुई? तो आंसर है 24th of August 1995। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे इसके बाद हम पार्ट्स ऑफ एमएस डॉस पर बेस्ड। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, पार्ट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस स्टोर्ड इन, यानी एमएस डॉस ये डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहां पर स्टोर होता है?
अभी अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कहां पर स्टोर होता है, तो आप कहेंगे कि सर ये हार्ड डिस्क में स्टोर होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि डॉस कहां पर स्टोर होता है, तो आप कहेंगे सर ये हार्ड डिस्क में स्टोर हो सकता है, लेकिन उस समय तो हार्ड डिस्क थी नहीं, तो आंसर यहां पर क्या बनेगा? फ्लॉपी डिस्क बनेगा। आगे चलकर जरूर डॉस को हमने हार्ड डिस्क में स्टोर किया, लेकिन स्टार्टिंग में हमने क्या यूज की? फ्लॉपी डिस्क का इस्तेमाल किया। क्लियर है? आगे देखिए, डॉस लोडेड इन, जैसे कि आम तौर पर जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो बूटिंग के टाइम पर सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी से प्राइमरी स्टोरेज मेमोरी में लोड होते हैं, वैसे ही डॉस भी आपका किसमें लोड होता है? प्राइमरी स्टोरेज मेमोरी में, जिसको रैम कहा जाता है। तो अगर लोडेड की बात की जाएगी तो आंसर क्या होगा? रैम होगा। क्लियर है? वेरी गुड। आगे देखिए, थ्री फाइल्स ऑफ डॉकर, यानी अगर हम डॉस की बात करें तो डॉस की तीन इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये तीनों आपकी सिस्टम फाइल्स हैं, जिनको जिसमें से पहली फाइल का नाम है io.sys, दूसरी फाइल का नाम है ms-dos.sys और तीसरी फाइल का नाम है command.com। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ms-dos में टोटल कितनी फाइल होती हैं, तो आप कहेंगे ms-dos में टोटल तीन फाइल होती हैं, और वो फाइल कौन-कौन सी हैं? इनपुट आउटपुट डॉट सिस्टम यानी आईओ डॉट सिस्टम, एमएस डॉस डॉट सिस्टम, और तीसरी है कमांड डॉट कॉम। अब इन तीनों फाइल्स के बारे में भी एक एक लाइन आप लोग जान लीजिए। जो इनपुट आउटपुट डॉट सिस्टम वाली फाइल है, ये ड्राइवर फाइल्स हैं। आप जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ ड्राइवर बाय डिफॉल्ट लोड होते हैं, तो आईओ मतलब होता है इनपुट और आउटपुट, और इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस के साथ में ड्राइवर्स का रहना काफी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आईओ डॉट सिस किस लिए यूज होती है? ड्राइवर्स के लिए। एमएस डॉट डॉट सिस इसका इस्तेमाल किस लिए होता है? इन फाइल्स का यूज कर्नल के पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाता है ना? किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं? कर्नल के पॉइंट ऑफ व्यू से। और कमांड डॉट कॉम ये है आपका CLI, यानी कमांड लाइन इंटरफेस, और इसी को आगे चलकर हमने अपडेट किया और यही बन गया आपका विंडोज का कमांड प्रॉम्प्ट। यानी ये जो तीसरी फाइल है जिसको हम कमांड डॉट कॉम बोल रहे हैं, इसी का अपडेटेड वर्जन है कमांड प्रॉम्प्ट, जिसका इस्तेमाल हम लोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के केस में कर रहे हैं। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो CLI की फुल फॉर्म क्या है? दैट इज कॉल्ड कमांड लाइन इंटरफेस। CLI एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर सिर्फ और सिर्फ किसका यूज करते हैं? कीबोर्ड का यूज करते हैं। यहां पर माउस का यूज कर पाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए एमएस डॉस मात्र एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें हम माउस का यूज नहीं कर सकते, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कीबोर्ड का यूज कर पाना पॉसिबल है, इसीलिए इसे हम CLI प्लेटफॉर्म या फिर CUI प्लेटफॉर्म के नाम से जानते हैं। क्लियर है? वेरी गुड। आगे देखिएगा, फाइल्स इन एमएस डॉस। अब टोटल कितने तरीके की फाइल्स एमएस डॉस सपोर्ट करता है, तो उसकी भी एक लिस्ट मैंने आपको बता दी है। .c, .ftn, .pass, .obj, .exe, .bat, .back, .dat और .wav। इतने तरीके की फाइल्स जो हैं वो एमएस डॉस सपोर्ट करता है। अब इसके फंक्शन भी एक एक करके जान लीजिए। .c क्या है? ये आपकी सोर्स फाइल है ना? यहां से भी क्वेश्चन पूछते हैं जो बहुत आसान है ना, तो एक नंबर फ्री में आपको यहां पर एग्जाम में मिलेगा, बस ध्यान से देखते रहिए। डॉट सी का मतलब क्या है? ये सोर्स फाइल है एमएस डॉस की। डॉट एफ टी एन ये फोरट्रॉन में यूज होने वाली फाइल है, यानी दिस इज कॉल्ड फोरट्रॉन फाइल, फॉर्मूला ट्रांसलेशन फाइल। डॉट पी एस ये पास्कल फाइल कहलाती है। ओबीजे ये ऑब्जेक्ट फाइल है। exe एग्जीक्यूटेबल फाइल है। bat बैच फाइल है। वेरी गुड। bak ये बैकअप फाइल के तरीके से ट्रीट होती है, जैसे आप कभी भी बैकअप लेते हैं तो इस केस में बाय डिफॉल्ट जो एक फाइल बन जाती है दैट इज कॉल्ड एज .bak। .dat ये आपकी डेटा की फाइल है। डेट मतलब क्या होता है? डेटा होता है। और WAV
ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि WAV फाइल का यूज किस लिए करते हैं। तो ये आपकी विंडोज की साउंड फाइल है, यानी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जो आपको साउंड मिलती है वो इसी फाइल के बदौलत मिलती है। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन दो तरीके से एग्जाम में पूछते हैं, विंडोज साउंड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, तो आंसर है .wav, या .wav का यूज किस लिए करते हैं, तो आंसर है विंडोज की साउंड फाइल के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? वेरी गुड। आगे देखिए, अब एक सबसे बढ़िया क्वेश्चन यहां पर पूछा जाता है कि अगर सपोज करिए आप डॉस में काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब डॉस में आप फाइल भी बनाएंगे, फोल्डर भी बनाएंगे, और फोल्डर को यहां पर डायरेक्टरी के नाम से जाना जाता है। तो इसका मतलब अब हम लोग देखेंगे फाइल एंड डायरेक्टरी, मतलब फाइल और फोल्डर कैसे बनाए जाएं एमएस डॉस में। काफी दिलचस्प है इसको जानना, जरा ध्यान दीजिएगा। फाइल नेम इन डॉस, यानी डॉस में जो फाइल होती हैं वो एक लिमिटेड कैरेक्टर की होती है, और एग्जाम में ये पूछा जाता है कि डॉस में जो फाइल नेम है फाइल का वो कितने कैरेक्टर का होता है, तो आंसर है दैट इज लिमिटेड टू 8 कैरेक्टर, यानी 8 कैरेक्टर से बड़ी फाइल का नाम आप नहीं देख सकते हैं। ये रेस्ट्रिक्शन होता है डॉस प्लेटफॉर्म के केस में, और ये जो 8 नंबर का कैरेक्टर है, जो 8 कैरेक्टर की लिमिट है, ये अल्फानुमेरिक भी हो सकती है, उसके बाद में डॉट भी आप देंगे और साथ में आप एक्सटेंशन भी देंगे। जैसे कि आप जानते हैं आमतौर पर जितनी भी फाइल्स होती हैं उनमें आप नाम देते हैं, फिर उसके बाद डॉट लगाते हैं, और फिर बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन उसका ले लेता है, है ना। तो ये सब कुछ होगा, लेकिन नाम की लेंथ कितनी होगी, कैरेक्टर्स कितने होंगे, तो दैट इज 8 कैरेक्टर। वेरी गुड। आगे देखिए, डायरेक्टरी इन डॉस। अब हमने पहले फाइल के बारे में बात करी, अब हम फोल्डर के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर फोल्डर यानी डायरेक्टरी की बात करें, यूज टू स्टोर फाइल्स, जिसके अंदर फाइल्स स्टोर होती हैं, और यहां भी डायरेक्टरी का जो फाइल नेम है वो भी 8 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं हो सकता, यानी फाइल भी 8 कैरेक्टर की होगी और फोल्डर यानी डायरेक्टरी भी आपकी 8 कैरेक्टर की ही होगी, ये जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब अगर डायरेक्टरी की यहां पर बात करें तो 3 तरीके की डायरेक्टरीज होती हैं। यानी अगर फोल्डर की बात करें या डायरेक्टरी की बात करें, तो एमएस डॉस में डायरेक्टरी कितने तरीके की हो सकती हैं, 3 तरीके की, और ये 3 टाइप्स कौन कौन से हैं जरा देखिएगा, आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, रूट डायरेक्टरी नंबर 1, करेंट डायरेक्टरी नंबर 2, और तीसरी है सब डायरेक्टरी। यानी टोटल कितनी डायरेक्टरीज हो गई, 3 डायरेक्टरी हो गई। अब इनका मतलब क्या है जरा देखिएगा, सी ड्राइव सी है, और सी ड्राइव के बाद एक फाइल है जिसका नाम है अरोड़ा एजुकेटर, या आप कह सकते हैं ये एक फोल्डर है जिसका नाम है अरोड़ा एजुकेटर, और अरोड़ा एजुकेटर फोल्डर के नंबर अंदर एक फाइल है जिसका नाम है कंप्यूटर। समझ गए, सी ड्राइव में एक फोल्डर है जिसका नाम है अरोड़ा एजुकेटर, और उस फोल्डर के अंदर एक फाइल है जिसका नाम है कंप्यूटर। तो इसका मतलब कि यहां पर जो सी ड्राइव है वो है आपकी रूट डायरेक्टरी, करंट डायरेक्टरी कौन सी है, अरोड़ा एजुकेटर, और सब डायरेक्टरी कौन सी हो गई, यहां पर कंप्यूटर। तो याद रखिएगा, इस तरीके से मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है विद एग्जांपल, अब यहां पर आपको ये चीज याद रहने वाली है। आगे बढ़ते हैं, अब वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं एमएस डॉस में। यहां से भी एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है कि एमएस डॉस में वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर कौन कौन से होते हैं। तो आप याद रखिएगा, डॉस में 2 तरीके के वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर होते हैं। कौन कौन से? एक तो एस्ट्रिक का सिंबल, जिसको आप मल्टीप्लाई बोलते हैं, एस्ट्रिक बोला जाता है इसको, और दूसरा होता है क्वेश्चन मार्क का सिंबल। ये दोनों आपके वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर कहलाते हैं एमएस डॉस के केस में। अब इनका यूज किस पर्पज से करते हैं ये भी जान लीजिए। ये जो एस्ट्रिक का सिंबल है, इसका इस्तेमाल सिंगल कैरेक्टर रिप्लेसमेंट के लिए करते हैं। सिंगल कैरेक्टर रिप्लेसमेंट मतलब अगर आप 2 लगा देंगे एस्ट्रिक, तो इसका मतलब कि आपके सभी फाइल्स डिलीट हो जाएंगी। कंप्यूटर की सभी फाइल्स को डिलीट करने के लिए डेल के साथ में इस कमांड का यूज करते हैं, है ना। तो इससे रिप्लेस हो जाते हैं, मतलब लॉस हो जाती हैं सब चीजें। फिर यहां पर दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क, एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर,
यानी किसी भी नंबर ऑफ कैरेक्टर को सर्च करने के लिए, किसी भी कैरेक्टर को सर्च करने के लिए क्वेश्चन मार्क सिंबल का यूज करती है। समझ में आ गई बात? नहीं आई, कंफ्यूजन है, फिर से देखो। एक एग्जाम्पल के तहत देखिए, हमने यहां पर क्या लिखा, एक कमांड दिया, सी ड्राइव डेल एस्ट्रिक डॉट एस्ट्रिक। इस कमांड की मदद से क्या होगा, जितनी भी फाइल्स और फोल्डर्स होंगे उन सबको डिलीट कर दिया जाएगा, यानी पूरे तरीके से एक तरीके से क्लीन हो जाएगा, फॉर्मेट हो जाएगी आपकी डिस्क। बात समझ में आ गई? तो सभी कैरेक्टर्स को, सभी फाइल्स और फोल्डर्स को डिलीट कर दिया जाएगा इस कमांड की मदद से। और फिर है DIR, जो कि दूसरा आपका यहाँ पे वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है। इसका इस्तेमाल करने से क्या होगा, जैसे मैंने लिखा है DIR डायरेक्टरी, और फिर उसके बाद दो क्या लगाए हैं, क्वेश्चन मार्क, फिर लिखा है RA.C। इसका मतलब कि कंप्यूटर में कहीं भी अगर कोई फाइल है जिसका नाम, या अगर कोई फोल्डर है जिसका नाम के लास्ट में दो कैरेक्टर RA हो, RA मतलब हो सकता है अरोड़ा नाम से मैंने कोई एक फोल्डर क्रिएट किया हो, तो ARO RA, तो लास्ट में क्या हो रहा है, RA हो रहा है ना। तो इस नाम से मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया है, तो वो क्या करेगा, इसको सर्च करके दिखा देगा कि ये सारे फोल्डर हैं जिनके लास्ट में RA आ रहा है ना। तो सर्च कर दिया, तो इसका मतलब ये दो आपके वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर के नाम से जाने जाते हैं। वेरी गुड, क्लियर है, आगे देखिए। अब MS DOS में कमांड होता है जिसको हम पाइपिंग कमांड बोलते हैं। पाइप आपने नाम सुना होगा है ना, पानी वाला पाइप नहीं, यहां पाइप का मतलब थोड़ा सा दूसरा है। तो MS DOS में पाइपिंग क्या है, आप लोगों ने कंप्यूटर में देखा होगा एक सिंबल होता है स्टैंडिंग लाइन का है ना, जिसे हम पाइपिंग सिंबल भी बोलते हैं, पाइप सिंबल भी कई बार इसको बोलते हैं। तो इस सिंबल का इस्तेमाल हम लोग MS DOS में एज अ पाइपिंग सिंबल करते हैं, और इसका काम क्या होता है ये जान लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। कंबाइन मल्टीपल कमांड्स ऑन अ सिंगल कमांड, यानी ये सिंबल क्या करता है कि मल्टीपल कमांड्स को कंबाइन करने के लिए यूज किया जाता है, और उसे फिर एक सिंगल कमांड के तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। यानी आप जानते हैं कि MS DOS में जितना भी काम होता है वो कमांड की बेसिस पर होता है ना, वो किसके बेसिस पर होता है, कमांड के बेसिस पर होता है। तो उन सभी कई सारे अलग अलग कमांड को अगर जोड़ने की रिक्वायरमेंट हो तो हम कॉमा से नहीं उसको हम अलग अलग करेंगे, हम पाइप सिंबल लगा के उसको अलग अलग करेंगे और वो एक ही कमांड हमारा बन जाएगा। क्लियर है, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब MS DOS की कमांड्स पर बात कर लेते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। MS DOS में अगर कमांड्स की बात करें तो टोटल दो तरीके के कमांड्स यहां पर यूज होते हैं, एक है आपके इंटरनल कमांड और दूसरे हैं एक्सटर्नल कमांड। इसको ध्यान से समझ लेना, इंटरनल कमांड और एक्सटर्नल कमांड में क्या अंतर है, इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल यहां पर यूज करता हूं, इससे आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। जब आप लोग कोई फोन खरीदते हैं मार्केट से तो आप लोग देखते हैं उस मोबाइल फोन में कुछ एप्लीकेशंस पहले से इंस्टॉल होती हैं, इसका मतलब कि वो इंटरनल कमांड है, और कुछ एप्लीकेशंस को आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से जाकर उसको डाउनलोड कर लेते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं, यही होता है। तो जिनको आप लोग करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो तो है एक्सटर्नल, लेकिन कुछ ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जो प्री इंस्टॉल्ड मिलती हैं वो है इंटरनल कमांड। इसी तरीके से MS DOS में भी क्या होता है, कुछ कमांड ऐसे होते हैं जो प्री लोडेड होते हैं, जिसमें किसी भी एक्सटर्नल फाइल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उसे हम बोलते हैं इंटरनल कमांड। यानी अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है प्री लोडेड कमांड से, या फिर नो एक्सटर्नल फाइल, जिसमें किसी भी एक्सटर्नल फाइल की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो है आपका इंटरनल कमांड। और जो पहले से प्री लोडेड नहीं है कमांड और जिसमें एक्सटर्नल फाइल की रिक्वायरमेंट है, वो है आपका एक्सटर्नल कमांड। क्लियर है, वेरी गुड, आगे देखिए। अब इंटरनल कमांड कौन कौन से होते हैं जो प्री लोडेड होते हैं डॉस प्लेटफॉर्म में, पूरे अच्छे से इनको समझिएगा एक एक करके। टोटल 20 कमांड्स हैं जिनका यूज होता है एज एन इंटरनल कमांड। तो इसका मतलब आपको टोटल कितने कमांड याद करने हैं यहां पर, 20। सिर्फ काम याद करना है ना, बहुत आसान है, इसका यूज आप लोग कहीं ना कहीं करते भी हैं,
डेली लाइफ में, जरा समझिएगा। CLS क्लियर स्क्रीन करने के लिए, यानी स्क्रीन पर अगर कुछ भी लिखा हुआ है उसको रिमूव करने के लिए CLS कमांड का यूज करते हैं, और CLS कमांड खुद कह रहा है क्लियर स्क्रीन। दूसरा है कॉपी कॉन, कॉपी कॉन कमांड का मतलब है क्रिएट फाइल प्लस नो मॉडिफिकेशन। कॉन का मतलब होता है नो मॉडिफिकेशन, यानी आप एक फाइल क्रिएट करिए और उस फाइल क्रिएट करने के बाद जो आप उसमें एक बार लिख देंगे है ना, फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते। इसका मतलब ये फाइल ये कहती है कि अगर मैंने एक बार कमिटमेंट कर ली है ना, फिर तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनती। तो ऐसी दबंग तरीके की जो फाइल आपकी तैयार होती है उसे हम कहते हैं कॉपी कॉन। क्लियर हो गया, आगे देखिए। नेक्स्ट है सिर्फ कॉपी, कॉपी आप जानते हैं कंट्रोल सी, तो वही यहां पर भी काम होता है। यानी किसी भी कंटेंट को अगर आपको कॉपी करना हो और दूसरी जगह पेस्ट करना हो, यानी आप चाहते हैं कि ये टेक्स्ट या ये फाइल या फोल्डर आपका पहली सोर्स में भी रहे और एक नए सोर्स पर भी पहुंच जाए, तो आप क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। वेरी गुड, अगला देखिए सीडी और CHDIR। नाम से ही पता चल रहा है सीडी का मतलब क्या है, चेंज डायरेक्टरी। CHDIR का मतलब क्या है, चेंज डायरेक्टरी, और डायरेक्टरी का मतलब क्या होता है, फोल्डर। यानी अगर आपको फोल्डर चेंज करना है, डायरेक्टरी चेंज करनी है, तो आप किसका यूज करेंगे, CHDIR का। क्लियर है। अगला है CD डॉट डॉट। इसका मतलब क्या है, मूव वन लेबल बैक टू द पेरेंट डायरेक्टरी। अगर आप डायरेक्टरी से बाहर निकलना चाहते हैं ना, कई बार हम लोग इसका यूज करते हैं, ये हमें पहले फोल्डर से बाहर निकाल देगा, फाइल से बाहर निकाल देगा, मतलब डायरेक्टरी से बाहर निकालने के लिए एक एक स्टेप पीछे की तरफ ये चलता है, तो CD डॉट डॉट का यूज करते हैं और इससे हम बाहर निकल आते हैं, राइट। आगे देखिए नेक्स्ट कमांड है आपकी डेट कमांड। नेक्स्ट कमांड कौन सी है, डेट कमांड है। एक सेकेंड रुकिएगा, है ना। तो देखिए ये डेट कमांड किस तरीके से काम कर रही है, डेट का मतलब है व्यू सिस्टम डेट, यानी सिस्टम की डेट को डिस्प्ले करने के लिए डेट कमांड है। अगर आपको सपोज करिए आज की डेट जाननी है ना, तो आप क्या करेंगे, डेट कमांड का यूज करेंगे। फिर है आपकी डिलीट कमांड। डिलीट का मतलब क्या है कि आप फाइल को डिलीट कर रहे हैं, यानी अगर आप डायरेक्टरी के अंदर किसी भी फाइल को डिलीट करना चाहते हैं तो आपको DEL कमांड देना होगा, है ना, जिसका मैंने एक एग्जाम्पल भी यहां पर आपके सामने रखा है, जैसे DEL asterisk dot asterisk। अगर आप ये कमांड टाइप करते हैं तो डिलीट ऑल फाइल इन दी डायरेक्टरी, यानी फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल हैं उसको डिलीट कर देगा DEL। DIR का मतलब होता है डायरेक्टरी लिस्टिंग, यानी आपके फोल्डर का सब कुछ, बही खाता जितना भी है, सारी इंफॉर्मेशन आपके फोल्डर की DIR कमांड शो कर देता है। अब आप अगर नॉर्मल विंडोज में फोल्डर पर राइट क्लिक करते हैं, और नॉर्मली या फिर आप राइट क्लिक ना करें है ना, वैसे तो राइट क्लिक करेंगे प्रॉपर्टीज पे जाएंगे तो आपको उस फोल्डर की सारी प्रॉपर्टीज पता चल जाती हैं। या दूसरा तरीका एक और भी है कि सिंपली आप अपने माउस के कर्सर को उस पर्टिकुलर फोल्डर पर ले जाएं है ना, तो आपकी उस फोल्डर की पूरी इंफॉर्मेशन वो बता देता है कि फाइल का साइज कितना है, डेट कब वो बनी, किस टाइम पर वो फोल्डर क्रिएट हुआ है ना, ये सारी इंफॉर्मेशन, और इसका साइज क्या है फोल्डर का, ये सारी इंफॉर्मेशन बताता है। तो वैसे ही DIR कमांड भी क्या करता है, ये भी वही काम करता है, यानी डायरेक्टरी की पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन ये शो करता है, साइज, डेट और टाइम, और कितनी कैपेसिटी की वो फाइल है, ये सब शो करता है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट है आपका MD और MKDIR कमांड। MKDIR कमांड क्या करता है, देखो बहुत आसान है, नाम से ही पता आपको चल रहा है, यानी अगर हम मेक डायरेक्टरी की बात करें, अगर हमें डायरेक्टरी बनानी है या फिर सब डायरेक्टरी बनानी है, यानी फोल्डर बनाना है और फोल्डर के अंदर एक सब फोल्डर बनाना है ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, MD कमांड का या फिर MKDIR कमांड का यूज करेंगे, राइट। नेक्स्ट प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट मतलब कि कभी कभी कमांड प्रॉम्प्ट की स्क्रीन को हम चेंज करना चाहते हैं है ना, उसकी लुक एंड फील को बदलना चाहते हैं,
यानी बेसिकली हम लोग काम किस पर कर रहे हैं, कमांड प्रॉम्प्ट पर काम कर रहे हैं, एक ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन पर काम कर रहे हैं, और इस स्क्रीन के लुक एंड फील को बदलने के लिए प्रॉम्प्ट का यूज किया जाता है, राइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आरडी आरएम डीआईआर कमांड। रिमूव अ डायरेक्टरी, आरएम का मतलब क्या है, रिमूव अ डायरेक्टरी, यानी किसी भी डायरेक्टरी को बदलने के लिए, किसी भी फोल्डर को बदलने के लिए या उसको रिमूव करने के लिए, डिलीट करने के लिए, एक तरीके से है ना आर एम डी आई आर का यूज करते हैं। यानी अगर मेक करना हो तो एम के डी आई आर का, और रिमूव करना है डायरेक्टरी तो किसका, आर डी या आर एम डी आई आर कमांड का। नेक्स्ट आर ई एन कमांड। आर ई एन का मतलब क्या है, रीनेम करना। आप लोग जानते हैं कि अगर हम यहां पर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो आप किसी भी फाइल और फोल्डर को रीनेम कैसे करते हैं, F2 की के थ्रू आप रीनेम कर देते हैं ना, F2 प्रेस करते हैं और वो फाइल और फोल्डर रीनेम के लिए तैयार है, या फिर आप राइट क्लिक करिए और फिर रीनेम के ऑप्शन पर जाइए, है ना, यही तरीके हैं। यहां पर आप REN कमांड का यूज करते हैं फाइल और फोल्डर को रीनेम करने के लिए। नेक्स्ट 13th कमांड, ये है आपका टाइम कमांड, यानी सिस्टम का जो करंट टाइम है ना वो कैसे शो होगा। तो सिस्टम की करंट टाइम को शो करने के लिए TIME लिख दीजिए, जैसे डेट के लिए आपने डेट लिखा, वैसे टाइम के लिए क्या होगा, TIME होगा, बहुत सिंपल है। अगला है टाइप कमांड। टाइप मतलब डिस्प्ले कंटेंट ऑफ फाइल ऑन स्क्रीन। अगर आपको किसी भी कंटेंट को डिस्प्ले करना है या फाइल को डिस्प्ले करना है स्क्रीन के ऊपर, तो ये टाइप कमांड के थ्रू होता है। नेक्स्ट है आपका वर्जन कमांड, यानी डॉस। अभी हमने आपको बताया कि डॉस के अलग अलग वर्जन है, जैसे 1.0 है, 1.1 है ना, 2.0 है, 3.0 है, 4.0 है, 5.0 है और 6.0 तक। तो यानी किस वर्जन पर अभी हम काम कर रहे हैं, ये अगर पता लगाना है तो किसके थ्रू पता लगेगा, वर यानी VER कमांड के थ्रू पता चलेगा। नेक्स्ट ये हो गए आपकी बेसिकली कौन से कमांड, ये हो गए आपके इंटरनल कमांड। अब इसमें कई सारे कमांड्स थोड़े और भी थे जो सब कमांड हैं, लेकिन वो एग्जाम में कभी भी पूछे नहीं जाते हैं, है ना, तो हमने उन कमांड्स को अवॉइड कर दिया है जो पूछे नहीं जाते हैं। हमने सिर्फ उन कमांड्स को इंक्लूड किया है जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी जो कमांड है वो कहीं ना कहीं सब कमांड के तौर पर यूज होते हैं। अब हम लोग यहां पर बात करेंगे किसके बारे में, एक्सटर्नल कमांड के बारे में। तो एक्सटर्नल कमांड्स देख लेते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक्सटर्नल कमांड क्या होता है, यानी अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें तो वो एप्लीकेशंस जो आप खुद इंस्टॉल करते हैं वो एक तरीके से एक्सटर्नल कमांड है। तो यानी एक्सटर्नल कमांड क्या है, वो इनबिल्ड नहीं है सिस्टम के अंदर, वो कहीं दूसरी जगह पर सेव है, वो किसी दूसरी फाइल में सेव है और उसको हम फेच करके ला रहे हैं अपने कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी यानी रैम में, इसलिए हम उनको एक्सटर्नल कमांड कहते हैं। इनको भी जरा देख लेते हैं बहुत जल्दी से, वेरी गुड। तो एक्सटर्नल कमांड्स आर स्टोर्ड इन एक्सटर्नल फाइल्स। ये कमांड कहां पर स्टोर की जाती हैं, एक्सटर्नल फाइल्स में, जबकि इंटरनल कमांड आपकी इंटरनल फाइल्स में स्टोर की जाती हैं। व्हेन एक्सटर्नल कमांड एग्जीक्यूटेड देन एक्सटर्नल कमांड इज लोडेड फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी टू प्राइमरी मेमोरी। बिल्कुल मैंने अभी आपको बताया कि सपोज करिए कि ये किसी फ्लॉपी डिस्क में स्टोर है या किसी हार्ड डिस्क में स्टोर है, जब हम इनको एग्जीक्यूट करते हैं, जब हम कमांड देते हैं, तो ये कमांड आपकी सेकेंडरी मेमोरी से उठकर प्राइमरी मेमोरी यानी रैम में आकर एग्जीक्यूट करती है, इसलिए इन कमांड्स को हम एक्सटर्नल कमांड कहते हैं। एक्सटेंशन ऑफ दीज फाइल्स आर, ये जो फाइल्स होती हैं इनका एक्सटेंशन .com होता है, .exe होता है या .bat होता है ना। सपोज करिए कि एक फाइल है आपकी पेन ड्राइव में जिसका एक्सटेंशन है .exe, यानी वो एक सॉफ्टवेयर है। तो जब आप किसी सॉफ्टवेयर को रन करते हैं तो क्या होता है, वो आपकी सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है आकर, तो इसका मतलब वो जो सॉफ्टवेयर है वो एक्सटर्नल कमांड ही है। बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। अब किस तरीके कमांड होते हैं जिन्हें हम एक्सटर्नल कमांड कहते हैं, आपको फॉर्मेट करना है, ये फॉर्मेट कमांड आपका एक्सटर्नल है। मूव करना है ना, जैसे हम लोग ने देखा था कॉपी, कॉपी आपका ज्यादातर इंटरनल कमांड के तरीके से ट्रीट होता है, लेकिन मूव का मतलब क्या होता है कि किसी फाइल को आप उठाकर सोर्स से उठाकर डेस्टिनेशन तक पहुंचा रहे हैं,
यानी सोर्स में उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा और वो नई जगह पर स्टोर हो जाएगी, जिसे हम कहते हैं मूव। एट्रीब्यूट कमांड एट्रिब, मोर कमांड, चेक डिस्क यानी डिस्क की स्पेस को चेक करने के लिए चेक डिस्क कमांड, या ट्री कमांड, है ना। इन सभी कमांड्स को हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल कमांड की कैटेगरी में रखते हैं। क्लियर हो गई बात? अभी शायद इन कमांड्स के बारे में आपको क्लियर नहीं हुआ क्योंकि अभी मैंने इनके फंक्शन भी आपको अच्छे से नहीं बताए, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं इन कमांड्स के बारे में। एक्सटर्नल कमांड एक एक करके बहुत ध्यान से समझते रहिएगा, है ना, यहां से भी क्वेश्चन जरूर बनता है एग्जाम में। तो पहला एक्सटर्नल कमांड आपके स्क्रीन पर आ चुका है जिसका नाम है एडिट करना। पहला कौन सा है? एडिट। ई से एक्सटर्नल और ई से एडिट। एडिट मतलब होता है मॉडिफाई करना या चेंज करना। तो अगर आप किसी भी फाइल को मॉडिफाई करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं फाइल को, या फाइल में लिखे हुए डेटा को, तो इसके लिए आप किस कमांड का यूज करेंगे? एडिट का। क्लियर हो गई बात एडिट की, राइट? अगला देखिए, एक्स कॉपी कमांड। ये आपका दूसरा एक्सटर्नल कमांड है। एक्स कॉपी का मतलब क्या होता है? कॉपी फाइल एंड डायरेक्टरी, कॉपी फाइल्स एंड डायरेक्टरी फ्रॉम वन डिस्क टू अनदर डिस्क, यानी आपको फाइल या फिर डायरेक्टरी को कॉपी करना है और एक डिस्क से उठाकर दूसरी डिस्क में रखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सी ड्राइव में एक फाइल है, उसको कॉपी करके या उसको मूव करके आपको उसको डी ड्राइव में लेकर जाना है, है ना। तो आप किसका यूज करेंगे? एक्स कॉपी का यूज करेंगे। क्लियर हो गई बात? आगे देखिए, लेबल कमांड। लेबल का मतलब क्या होता है? क्रिएट चेंज और डिलीट दी वॉल्यूम लेबल ऑफ अ डिस्क, यानी लेबल होता है जैसे सी ड्राइव, तो पहले इसको ड्राइव नहीं कहा जाता था, फ्लॉपी के टाइम में इसको ए लेबल और बी लेबल कहा जाता था, या वॉल्यूम नाम से हम लोग जानते थे। आप लोग जानते हैं कि आजकल जो डिस्क होती है ना, उसमें ड्राइव कहाँ से शुरू होती है? सी ड्राइव से। लेकिन जब फ्लॉपी डिस्क चलती थी तब ए ड्राइव और बी ड्राइव भी होती थी, जिनको जिनका लेबल होता था। तो लेबल का मतलब क्या है? क्रिएट चेंज और डिलीट दी वॉल्यूम लेबल ऑफ अ डिस्क, यानी किसी भी डिस्क को क्रिएट करना, उसके लेबल को चेंज करना, यानी उसके नाम को चेंज करना या उसके वॉल्यूम को डिलीट कर देना। जैसे सपोज करिए आप पेन ड्राइव के नाम को बदल सकते हैं, है ना। सपोज करिए आपने पेन ड्राइव के नाम को अपने नाम से रखा है, क्या फ्यूचर में अगर आप उसके नाम को चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। विंडोज में तो ये बहुत आसानी से हो सकता है, लेकिन अगर हम डॉस की बात करें तो वो किस कमांड की मदद से हो सकता है? लेबल कमांड की मदद से। आगे देखिएगा, नेक्स्ट है आपका डिस्क कॉपी कमांड। डिस्क कॉपी कमांड क्या करता है? कॉपीज कंटेंट ऑफ ए ड्राइव टू बी ड्राइव, यानी डिस्क कॉपी सेम वही काम करता है, यानी एक ड्राइव से दूसरी ड्राइव में कंटेंट को कॉपी करने का काम करता है। तो हमने आपको बताया था कि जिस समय फ्लॉपी डिस्क थी उस समय ए ड्राइव और बी ड्राइव चला करती थी, तो वहां पर डिस्क कमांड, डिस्क कॉपी कमांड का यूज करते थे कंटेंट को एक ड्राइव से उठाकर दूसरी ड्राइव में भेजने के लिए। अगला है चेक डिस्क कमांड। चेक अ डिस्क एंड डिस्प्ले अ स्टेटस रिपोर्ट, यानी डिस्क को चेक करना और आपके सामने उसकी स्टेटस रिपोर्ट को हाजिर कर देना। क्या डिस्क में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, क्या डिस्क हैंग तो नहीं हो रही, क्या डिस्क में वायरस तो नहीं है, क्या डिस्क करप्ट तो नहीं है, क्या डिस्क के अंदर कोई फाइल ऐसी तो नहीं जो फुल हो चुकी है। ये सारी इंफॉर्मेशन देने के लिए चेक डिस्क यानी सी एच के डिस्क कमांड का यूज होता है। अगला है ट्री कमांड। व्यू दी लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज एंड सब डायरेक्टरीज, यानी फोल्डर और सब फोल्डर की लिस्ट को दिखाने के लिए ट्री कमांड का यूज किया जाता है, है ना। तो कितने फोल्डर्स बने हुए हैं आपके कंप्यूटर में और कितने सब फोल्डर बने हुए हैं, इनकी कंप्लीट लिस्ट देखने के लिए ट्री कमांड का यूज किया जाता है। वेरी गुड, अगला देखिए, अब है डेल ट्री। डेल ट्री मतलब नाम से ही पता चल रहा है, यानी ट्री को डिलीट कर देना। अब ट्री को डिलीट करने का मतलब क्या है? रिमूव अ डायरेक्टरी अलोंग इट्स कंटेंट, यानी फोल्डर को भी डिलीट कर देना और फोल्डर के अंदर रखी हुई फाइल्स को भी डिलीट कर देना, है ना। यानी आप कह सकते हैं कि फोल्डर, सब फोल्डर और उनकी फाइल्स,
इन सबको डिलीट करने के लिए डेल ट्री कमांड का यूज किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट है आपकी डॉस की, डॉस की है, डंकी नहीं है, दैट इज योर डॉस की। डॉस की कमांड का यूज क्यों करते हैं? एडिट कमांड लाइन एंड रिकॉल दी कमांड्स, यानी कमांड लाइन पर लिखे हुए कमांड को एडिट करने के लिए, और रिकॉल दी कमांड। रिकॉल मतलब जैसे हम लोग विंडोज के केस में कंट्रोल वाई करते हैं, कंट्रोल जेड करते हैं अंडू करने के लिए, रीडू करने के लिए, तो वही काम डॉस में करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? डॉस की का यूज करते हैं। क्लियर है? वेरी गुड। आगे देखिए, फाइंड कमांड का यूज क्यों करते हैं? बहुत ही सिंपल है, हलवा है एकदम बिल्कुल। सर्चेस फॉर अ स्पेसिफिक टेक्स्ट, यानी किसी टेक्स्ट यानी स्ट्रिंग को सर्च करने के लिए फाइंड कमांड का यूज किया जाता है। कोई कैरेक्टर सर्च करना है या सेट ऑफ कैरेक्टर्स को सर्च करना है, तो सेट ऑफ कैरेक्टर्स क्या होती हैं? स्ट्रिंग होती हैं, और इसके लिए फाइंड कमांड का यूज किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, है ना, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में बनते ही हैं, तो इसको बहुत अच्छे से देखिए। सॉर्ट कमांड, सॉर्ट कमांड क्या है? नाम से ही पता चल रहा है, सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है? अरेंज करना। अब हम अरेंज कैसे करते हैं? या तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करते हैं या रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करते हैं, है ना, यानी ए टू जेड करते हैं या जेड टू ए करते हैं या जीरो से नाइन तक करते हैं या नाइन टू जीरो करते हैं, है ना। तो ये सब हम किसके थ्रू कर सकते हैं? सॉर्ट के थ्रू कर सकते हैं। वेरी गुड। अगला देखिए, फॉर्मेट करना, है ना। फॉर्मेट करने का मतलब डेटा को स्वाहा कर देना, यानी डेटा को डिलीट कर देना, ये हम फॉर्मेट कमांड से करते हैं। तो क्रिएट अ न्यू रूट डायरेक्टरी, या अगर हमें कभी कभी नई रूट डायरेक्टरी बनानी है, एंड अ फाइल एलोकेशन टेबल फॉर द डिस्क। आप जानते हैं कि जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं तो उस समय वो हमसे फैट के पार्टीशन बनाने के लिए कहता है कि हम कितनी ड्राइव वहां पर बनाना चाहते हैं, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, या सभी डेटा हम एक ही में रखना चाहते हैं, है ना। तो ये किसके थ्रू हो सकता है? या पूरे डिस्क को, पूरे सिस्टम को फॉर्मेट करना है, तो ये सारा काम हम किसके थ्रू कर सकते हैं? फॉर्मेट के थ्रू कर सकते हैं। इसका मतलब अगर हमें पार्टीशन क्रिएट करने हैं तब भी कहीं ना कहीं फॉर्मेट का यूज किया जाएगा। और फैट का मतलब यहां पर क्या है? फाइल एलोकेशन टेबल है। तो डॉस किस तरीके के एलोकेशन टेबल को सपोर्ट करता है? तो आंसर है फैट को। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है बैकअप। बैकअप आप सब समझते हैं, है ना। बैकअप का मतलब एक मजबूत, कोई एक ऐसी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, है ना, जिसमें हम डेटा को स्टोर करके रख रहे हैं। क्यों हम रख रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि आपका लैपटॉप या आपका कंप्यूटर कभी भी आपको धोखा दे सकता है, कभी भी आपका साथ छोड़कर जा सकता है, कभी भी आपको टाटा बाय बाय कह सकता है, है ना, कभी भी हैंग हो सकता है, कभी भी करप्ट हो सकता है, ऐसा होता है। तो आप क्या करते हैं? अपने कंप्यूटर के डेटा को बैकअप ले लेते हैं किसी पेन ड्राइव में, किसी एक्सटर्नल डिस्क में या क्लाउड स्टोरेज में। तो बैकअप मतलब बैकअप वन और मोर फाइल फ्रॉम वन डिस्क टू अनदर। यू कैन बैकअप फाइल्स ऑन टू ईदर अ हार्ड डिस्क और अ फ्लॉपी डिस्क। कह रहा है इस कमांड के थ्रू आप हार्ड डिस्क में भी बैकअप ले सकते हैं या फ्लॉपी डिस्क में भी बैकअप ले सकते हैं। क्लियर है? वेरी गुड। ये है आपका लास्ट कमांड, दैट इज रीस्टोर कमांड। तो रीस्टोर का मतलब क्या होता है? रीस्टोर का मतलब यानी जो आपने बैकअप लिया हुआ है उसको रीस्टोर करना, यानी रीस्टोर फाइल्स दैट वर बैक्ड अप बाय यूजिंग अ बैकअप कमांड। अब सपोज करिए कि आपके कंप्यूटर में गलती से मिस्टेक हो गई, है ना, और आपसे गलती से कोई फाइल क्या हो गई? डिलीट हो गई। लेकिन आपने कहा था कि सावधानी हम ऑलरेडी ले चुके हैं, यानी बैकअप आप ऑलरेडी मेंटेन कर चुके हैं। तो अब बैकअप वाले डेटा को आपको अपने कंप्यूटर पर मंगवाना है तो आप किसका यूज करेंगे? रीस्टोर कमांड का यूज करेंगे, जो बैकअप लिए हुए डेटा को आपकी कंप्यूटर पर दोबारा यानी पुनः ले आएगा। बात समझ में आ गई? तो बैकअप डेटा को वापस लाना, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रीस्टोर कमांड। क्लियर हो गई गाइस, है ना। तो ये 13 आपके एक्सटर्नल कमांड थे जो आपने यहां पर
पढ़े। तो इसी के साथ आपके एमएस डॉस के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, हिस्ट्री हो, वर्जन हो, है ना, या कमांड्स हो, या फाइल्स की इंफॉर्मेशन हो, ये सब आप तक पहुंच चुकी है ना। आप अगले सेशन में इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन लेकर आएंगे, यानी जितना आपने आज पढ़ा है ना, अभी हमने क्वेश्चन तो डिस्कस किए नहीं क्योंकि टाइम सफिशियंट हो चुका है, तो अब नेक्स्ट सेशन में हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन लाएंगे ताकि आपको एग्जैक्ट उन क्वेश्चन के भी दर्शन हो जो एग्जामिनर इस पे बेस्ड पूछ सकता है, राइट? तो कैसा लगा आपको सेशन कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग इन द लाइव सेशन एज वेल एज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ना थैंक्स अ लॉट गाइज, डू सब्सक्राइब दिस चैनल, डू लाइक दिस वीडियो इफ यू थिंक दैट दिस इज बेनिफिशियल फॉर योर पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन एंजॉय। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच गाइस।